फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 688 युवा लिखित परीक्षा के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इनमें 582 लड़के व 106 लड़कियां हैं, जबकि 3214 युवा फिजिकल टेस्ट में ही फेल हो गए। उन्हें अब अगली भर्ती का इंतजार करना होगा, तभी उनका फॉरेस्ट गार्ड बनने का सपना साकार हो सकेगा। आपको बता दें कि फॉरेस्ट सर्कल हमीरपुर में 12 पदों को भरने के लिए बहुतकनीकी कॉलेज बड़ू के खेल मैदान में 10 दिनों तक फिजिकल टेस्ट आयोजित किए गए। भर्ती में 9130 युवाओं को कॉल लेटर के जरिए बुलाया गया था। इनमें से 57% युवाओं ने भर्ती में रुचि नहीं दिखाई। इसके चलते 5228 युवा मैदान में अनुपस्थित रहे, जबकि 42% युवाओं ने ही भर्ती में रुचि दिखाई। 3902 लड़के व लड़कियों ने भर्ती मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। फिजिकल टेस्ट में 17% युवा ही लिखित परीक्षा में सिलेक्ट हो पाए हैं। आधे से भी ज्यादा युवा 100 मीटर की दौड़ व हाई जंप में ही बाहर हो गए हैं। इसके अलावा तपती गर्मी भी युवाओं के हौसलों पर पानी फेरती नजर आई। भारी गर्मी के चलते भी युवा मैदान में फिजिकल टेस्ट में अपना शत प्रतिशत नहीं दे पाए। सिलेक्ट युवाओं को अब 30 जून को होने वाली लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। उसके बाद ही युवाओं को फॉरेस्ट गार्ड बनने का सपना साकार होगा। फॉरेस्ट गार्ड की लिखित परीक्षा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हमीरपुर में आयोजित की जाएगी। सिलेक्ट युवा भी टेस्ट की तैयारियों में जुट गए हैं, ताकि फॉरेस्ट बनने का सपना जल्द से जल्द पूरा हो सके। फॉरेस्ट सर्कल की माने तो एक दो दिनों के अंदर सिलेक्ट युवाओं के एडमिट कार्ड विभाग की साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि युवा साइट से अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल सकें। नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन हमीरपुर का 2 दिवसीय सम्मेलन में सरकार को जमकर कोसा गया है। तो साथ ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि मोदी सरकार मजदूरों के हितों से खिलवाड़ कर रही है और बीमा क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ावा देने में लगी है। सम्मेलन का शुभारंभ नॉर्थ जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार भटनागर ने किया। देर रात तक चले सम्मेलन में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रदेश में 25 शाखा कार्यालयों से लगभग 150 प्रतिनिधि व प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। शिमला डिवीजन के सचिव देवीदास ने कहा कि मोदी सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जो कतई सहन नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा बीमा उद्योग व वित्तीय क्षेत्र पर किए जा रहे निजीकरण व हमले के विरोध में वेतन पुनर्निर्धारण व नई भर्ती आदि मांगों को लेकर सभी पदाधिकारी 2 दिन तक मंथन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश को धर्म के नाम पर बांट रही है और लोगों के हितों की मजबूत बनाने की ओर कतई भी ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। सम्मेलन में अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष बीएस रवि, डॉक्टर कश्मीर सिंह सिटू, नवीन चंद महासचिव, आरसी शर्मा जोनल उपाध्यक्ष, अनिल मनकोटिया पदाधिकारी, प्रदीप मिन्हास और पेंशनर एसोसिएशन ने भी पदाधिकारियों को संबोधित किया। बमसन क्षेत्र के करीब 1 किलोमीटर लंबे बाजार में आज तक प्रशासन पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाया है। उधर पुलिस द्वारा जगह जगह नो पार्किंग के बैरिकेड्स लगाने से लोगों में रोष फैल गया है। लोगों का कहना है कि ये बैरिकेड्स उस जगह लगने चाहिए जहां सड़क तंग है तथा अक्सर अवैध पार्किंग देखने को मिलती है।
लोगों का आरोप है कि आम व्यापारियों को तंग करने के लिए उस जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं जहां एक साथ तीन गाड़ियां गुजर सकती हैं। ऐसी जगह से बैरिकेड्स हटाने तथा तंग सड़क पर अवैध पार्किंग करने वालों पर शिकंजा कसने की मांग की गई है। स्थानीय व्यापार मंडल शहरी भाजपा इकाई बबीता चौहान प्रधान ग्राम पंचायत बारी व रजनीश कुमारी चौहान प्रधान ग्राम पंचायत टपरे ने टोनी देवी बाजार में पार्किंग स्थल विकसित करने तथा सड़क किनारे पीली पट्टी लगाकर समस्या का हल करने की मांग की है। पंचायत प्रधान बारी बबीता चौहान का कहना है कि जब तक प्रशासन पार्किंग की समस्या नहीं करता, सड़क किनारे पीली पट्टी लगाकर वाहन खड़े करने की सुविधा प्रदान की जाए। हिमाचल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी परिषद की एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक घुमारवी में परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम आदित्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसके अलावा विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर के शर्मा बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में सभी जिला के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया कि परिषद की गत दिसंबर में स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में प्रस्तावित मुद्दों पर सरकार से चर्चा की जाएगी। परिषद की मांगों में विभाग में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 50 से बढ़ाकर 60 साल की जाए। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अन्य चिकित्सकों के समान मानदेय दिया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर जिला में राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी जो राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की अध्यक्षता में संपन्न होगी।